भारत में वैदिक काल से ही गोवंश पूजनीय रहा है। गोवंश में एक तरफ पूज्य गो माता है, जो सारे प्राणी जगत को सात्विक पोषण और सभी प्रकार के सुख प्रदान करती है, तो दूसरी तरफ है जंतु रूप देवता की अवधारणा साकार करते श्रम और शक्ति के देवता बैल और सांड। सृष्टि पर गोवंश के कई उपकार हैं, लेकिन विषयुक्त वातावरण और आसुरी वृत्तियों की अधिकता के मौजूदा दौर में गव्य प्रसाद और भी जरूरी हो गया है। पंच गव्य की महिमा तो और भी सार्थक हो गई है। राजस्थान, जहां इतिहास सुनहरे भविष्य की ओर देख मुस्कुराता और इठलाता है, जहां धोरों की गर्म रेत भी शीतल बयार की ठंडक प्रदान करती है और यही निवास करती है धेनु रूपा देवी को परिलक्षित करती कामधेनु। या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देवेषु संस्थिता धेनु रूपेण सा देवी मम भान्ति प्रयच्छतो। अर्थात जो समस्त प्राणियों की लक्ष्मी है और जो सभी देवताओं में स्थित है, सुख शांति प्रदान करने वाली उसी गौरूपा देवी के अनन्य कल्याण स्वरूप यहां मरुप्रदेश में भी निवास करते हैं।